Good evening, namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Stardom. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। Last week हम लोग मिले डेलना ज़िरानी से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारी आज की गेस्ट थिएटर की एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में सबसे ज्यादा मदर इन लॉ के रोल्स किए हैं। जमाई राजा, शास्त्री सिस्टर्स, लव यू जिंदगी जैसे टीवी सीरियल्स करके इन्होंने हम सबके दिल जीत लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ह्यूमरस एंड डाउन टू अर्थ नीलू कोहली। लेट्स कनेक्ट विद हर। नमस्कार नीलू कोहली, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? अभी कौन सा लॉकडाउन, हमारे लिए तो लॉकडाउन खुल चुका, हमारी शूटिंग शुरू हो गई। अच्छा? ओह यस, वी आर बैक टू नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल। ओके, सो यू आर एंजॉयिंग द अनलॉकडाउन? शूटिंग वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो कुछ? यस, सी एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस। जब पहले दिन गए थे इस चीज को भी, वी स्टार्टेड शूटिंग on the 26th of last month, so it's nearly a month since we started shooting. तो अब वो थोड़ा सा डर निकल गया है, लेकिन पहले दो दिन तो बहुत डर लगा था। और एक बार दिल भी किया था कि अपना सामान उठाओ, गाड़ी में डालो और बोलो भैया हमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर जब वहां के क्रू को के साथ बातें हुई और अपने को एक्टर्स के साथ बातें हुई, तो समझ में आया कि कितना जरूरी है वापस काम पे आना, क्योंकि जो क्रू है वो कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कास्ट नहीं मानेगी आने के लिए तो द क्रू इज गोइंग टू सिट एट होम, एंड इट्स यू नो वी आर ऑल सो इंटरकनेक्टेड। एब्सोल्युटली, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट ईच वन ऑफ अस यू नो मेक्स दैट their little contribution towards making the industry a better place to survive in, especially in these times jab everything is so trying, everything is so uncertain. So jab ye sab dekha na, to dheere dheere I conquered my fear and I said no, let's all just go and do it. Or I also started enjoying the entire affair of fighting your fears every day and reaching out, reaching shoot. So it was मेरे लिए भी एक उसको कहते हैं एक achievement थी personally. So when you conquer your fears and you go out there and when you have 10 people calling you every day saying क्या कर रही है, क्यों जा रही है shoot पे, घर बैठ जा, and there you are creating what you love doing best. Yes. So it was a very very big sense of achievement for me. It was like going back for the first time on the set. Oh, तो ये आपके yes. family में जो ये पीछे से लोग बोल रहे थे ना, क्या कर रही है घर पे रह? अभी lockdown में family में you are in Mumbai right now. अभी lockdown में इस घर में अभी कौन-कौन है? और एक और question ये है कि किसके जिम्मे कौन-कौन सा काम आया था? मैं बताती हूँ। मेरा बेटा मारेगा मुझे। my husband is there, my son is there and my daughter-in-law is there. Achha, family puri hai. Okay. So between my daughter-in-law and myself, we've taken over cooking and cleaning. Achha. And my son does the jhadu pocha. Okay. Yes. And my husband, वो बेचारे अपनी चाय बना ले, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा achievement है। वो सुबह और शाम की अपनी चाय बना लेते हैं। अरे वाह, तो हमें लगता है कि हम बस, हमारे लिए तो बाप ने कितना काम कर दिया उन्होंने। सो ऐसे हमने आपस में काम डिवाइड किया हुआ था। डस्टिंग एक दिन करते हैं, दूसरे दिन पंखे साफ करते हैं, तीसरे दिन कपड़े धोते हैं। सो वी हैड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आवरसेल्फ इन दिस वे दैट, बिकॉज़ शुरू में तो वो भी थॉट कि बस अभी तो 15 दिन में खुल जाएगा,
तो चलो टाइम निकाल लेते हैं. बट जब when we realize the seriousness of the situation, we thought कि सबसे पहले you know you have to organize things in your head because there's this panic mode. कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन और ऐसे रहेगा, हमें तो नहीं होगा, हमारे यू नो हमारे जानने वाले, हमारे क्लोज लोगों को तो नहीं होगा. दैट फियर यू नो कि नहीं बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यू नो देयर सो मच गोइंग ऑन इन योर हेड. एंड प्लस द सॉरी टू से द न्यूज चैनल व्हिच थॉट मतलब वो देख कर तो मुझे लग रहा था कि बस हुआ ही, समझो मुझे बस कंफर्म है केस हमारा, तो कंफर्म बस मुझे हुआ ही समझो. सो एंड दैट फियर वाज सो मच इन एंड यू नो सोसाइटीज में आके वो लोग अनाउंस कर रहे थे पुलिस पीपल एंड ऑल. सो इट ऑल काइंड ऑफ यू नो वाज प्लेइंग ऑन माय साइके. मुझे लग रहा था कि इट कांट बी रियल, मैं अभी नींद मेरी खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा. तो शुरू में जैसे सब में डिनायल था कि नहीं नहीं ये तो सच है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा है. एंड देन धीरे धीरे डिनायल से एक एक्सेप्टेंस होता है, तो एक्सेप्टेंस के बाद रीऑर्गेनाइजेशन होता है. रीऑर्गेनाइजेशन के साथ एक आप स्ट्रेटजी बना के प्लान करके चलते हैं कि यू नो पता नहीं और कब तक चलेगा. और इस दौरान जब हम सॉर्ट ऑफ सेटल हो गए थे उसमें, फिर ये एक अनसेटलिंग सा कि शूटिंग शुरू हो गई. मुझे लगा नहीं 15 जुलाई से पहले तो शुरू होंगी नहीं. Correct. लेकिन जब 25 जून को दे सेड कि नहीं फ्रॉम टुमारो एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, तो एक बार डर भी लगा था कि आई थिंक इट्स टू सून. क्या होगा, इट्स टू सून. यस यस, टू सून, कैसे होगा. हालांकि यू नो हमारे प्रोड्यूसर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, सिंस आई एम अ सिंटा कमिटी मेंबर, हमारी जो सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, तो वी वर काइंड ऑफ यू नो इन द मीटिंग विद डिफरेंट द चैनल्स, द प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी. तो एक हार्टनिंग सा तो लगा कि हाँ कर लेंगे, लेकिन नोइंग व्हाट टीवी इज ऑल अबाउट, यू नो टीवी इज द सॉरी टू से दैट इज वेयर आई गेट माय ब्रेड एंड बटर, पर वो काफी डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं. वो इसलिए क्योंकि दे ऑलवेज हैव यू नो stuff to complete and very little time. Right. तो मुझे नहीं लगा था कि टीवी कर पाएगा. ये जितने भी norms हैं उनको follow करना बहुत मुश्किल था. You know अब एक आप sanitization booth set up कर रहे हैं, एक doctor on call होगा, तो उसके assistants हैं जो आपका temperature, आपका oxygen से आपका सब लेते हैं. And then your room is sanitized and it's fumigated with that. They have some, I don't know, that's some machine they have. You're wearing masks. The staff is in PPE kits with masks, with shields. On set, it's sanitized 3 times. The food which we get now is vacuum packed. Okay. And so, I never thought ki we could do this. We could. But this is this is the new normal, or I think lockdown. This is the new. ये सब सिखा दिया है. Lockdown ने एक और बहुत सबको मतलब at least मैं कहूँगा भारत के मर्दों को तो ये बहुत अच्छे से सिखा दिया कि झाड़ू और पोछा कैसे लगाते हैं. जैसे आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है और मेरे को बोलेगा कि भाई आप ये भी बोल पड़े हैं. तो आई थिंक उसको भी कभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ कि मैं भी लगा रहा हूँ. एंड आई थिंक इंडिया के हर स्कूल में बंदों ने ही लगाए हैं सारी झाड़ू पोछे. एंड यू नो आई वाज लिटिल हेजिटेंट इन आस्किंग माय सन टू डू इट. ही इज अ शिपी एक्चुअली. दिस इज मामा, आई स्टार्टेड माय करियर डूइंग दिस. I was doing it on the ship. Why can't I do it in my own home? Exactly. It's like he's the one who made me comfortable with the idea that I will do it. And there are times when he helps even with the utensils. Okay. Nice. Yes. तो अच्छा सीख लिया सबने. ये तो मतलब सारे लड़कों ने और आदमियों ने तो बहुत अच्छे से सीख लिया कि भाई डेली चाय पीने से काम नहीं चलेगा, काम करवाना पड़ेगा इस बार लॉकडाउन में. मोदी जी ने करवा दिया सबसे ये काम. Yes. And I'm so glad. और ये लॉकडाउन के बाद आपने ना अभी अभी पीछे बोला था, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी किया कि
लॉकडाउन के बाद रीस्टार्ट करने में मतलब जो मुझे ऐसा एक फील आया कि मैं दोबारा से डेब्यू कर रही हूँ. इट हैज एवरीथिंग इज स्टार्टेड रिन्यू. इज इट समथिंग टू डू विद द न्यू नॉर्मल? और मतलब आई थिंक सब कुछ ही चेंज हो गया है. जैसे आपने मेंशन किया सैनिटाइजेशन नॉर्म्स बदल गए हैं. यू आर सच अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीवी फ्रेटर्निटी ऑल्सो. तो आई एम श्योर क्या बाकी चैनल्स और जो बाकी प्रोडक्शन हाउस हैं क्या वो सब लोग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? See, I can only talk of optimistics जिसके साथ मैं भी काम कर रही हूँ. तो you know they are doing a very very good job, I have to say. But मैंने कुछ वीडियोस देखे, जैसे राजन साई के यहाँ का वीडियो देखा, बालाजी का एक आध वीडियो देखा. तो I think everybody is doing a damn good job about it. हमें सेट पे काढ़ा दिया जाता है, हमारे चेयर्स पे हमारे नाम लिखे होते हैं. Nobody else sits on those chairs. So each one is assigned a chair and you know you carry your own chair. Of course हम अपना, मैं अपना boy तो लेके जा नहीं रही हूँ because they're not allowed. Plus तो you know मुझे ये जो मोदी जी का आत्मनिर्भर है, निर्भरता की जो ये गुहार है ना, ये सबसे पहले हमने इसे झेला है और अब अच्छी तरह से इसे पूरा कर रहे हैं. आई नेवर थॉट आई कुड सर्वाइव विदाउट माय बॉय, विदाउट माय स्टाफ. आई एम डूइंग इट. वाओ. एंड आई एम डूइंग अ गुड जॉब. सही है, बहुत बढ़िया. दैट इज एक्चुअली गुड लर्निंग आल्सो. और आप, इट्स वेरी गुड लर्निंग. आपने अभी बताया कि मैं कुछ लेक्चर्स भी कर रही थी during the lockdown, and our audiences, the people who are now joining in to watch you, they are also very eager to know ye kaun se lectures the, what were you teaching? Kyunki aapka matlab ek interview maine dekha tha ki if you were not an actress you would be a teacher or a principal. To ye educationist banne ka matlab ya kya ye mauka tha ya matlab what was this about? Nahi, this was actually about the role which I'm doing on my TV show right now. It's called Tera Kya Hoga Alia on Sub TV, and I'm playing a principal in that for the first time. नहीं तो मैंने तो हमेशा वो सासू माँ और माँ वाले ही रोल किए हैं. तो ये मेरे लिए एक नॉवेल्टी थी. और दूसरा ये कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट. एक्चुअली मेरे घर में जितने भी मेरे फादर के साइड से हैं, दे आर ऑल इनटू एजुकेशन. आइदर दे आर डीन्स ऑफ देयर स्कूल्स और दे आर लिंग्विस्ट्स और दे आर व्हाटएवर. आई मीन राइट फ्रॉम माय अंकल्स हु आर इन लंदन टू माय uncles who are all over, they're all into teaching life, including my mother, who's also an educationist. He just retired last. Yes. Oh, acha, okay. So, कहीं ना कहीं वो आपके खून में होता है ना? Yes, yes, yes. हाँ, यही होता है. सच में, मेरे तो खून में है सच्ची. You know, ये like my son tells me, mama, ये आपकी don't वाली उंगली ना हमेशा ऐसी ही रहती है. Don't. So, I said, probably I've just taken it from my mother, who would always go, don't do this, don't do that, don't do this. And those eyes, no, the eyes that watch. Oh, yes. वो आँखों में वो उंगली से ज़्यादा वो आँखें होती हैं. That अच्छा. True. True. So true. आपने अपना जो मूवी का डेब्यू किया था वो एक वो थी मूवी अजय देवगन जी और महिमा चौधरी जी के साथ. मैंने एक एड की थी विद मिस्टर प्रियदर्शन. प्रियंसर के टेनॉल पेंस की एड थी जिसमें मैंने एक टीचर प्ले किया था. तो प्रकाश झा जी ने वो एड देखी एंड ही सेड कि इनको बुला लो. ऑफ कोर्स बाद में वो सीन्स वगैरह तो कट ही जाते हैं, लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि ये रोल है मेरे लिए. तब भी वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे सीन महिमा के साथ भी हैं और काजोल के साथ भी हैं. बाद में गाना वाना भी था, वो सब कट गया वो फोटो. बट you know, I was so overawed by the entire experience. Mm-hmm. You know, I was so overwhelmed ki yes. film ka canvas kitna bada hota hai. Kya us time to kya, you know, things were a lot different. Mm-hmm. You know, we as actors were treated with a lot of respect. Mm-hmm.
Yes. अब तो you know things are not the same. Okay. Yes. How? Lot of competition. So okay. Somebody who's not as senior as me will also get a job because she's he or she is probably getting paid 1/4 the amount. Oh. And because budgets are a huge restraint in this industry, we people are out of jobs. नहीं ऐसा नहीं है. The kind of space that you make in people's hearts ना वो irreplaceable हो जाती है. I know what you're saying, and what I'm trying to get at is ki it's nobody's fault. I mean, I'm not saying ki ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है. इट्स जस्ट दैट मैं भी एक टाइम पे नहीं थी, मैंने भी. बट यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट, यू हैव टू लर्न टू एडजस्ट योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, एंड इट्स लाइक फाइंडिंग अ मिडिल पाथ. यस. एंड काइंड ऑफ यू नो ग्रोइंग विद दिस, इट्स लाइक दिस ह्यूज यू नो, ये आपके लिए भी एक अरीना है जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई एग्री. तो मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, और मैं रोज इन चीजों से सीखती हूँ और इस चीज को रिजेंट नहीं करती. वाओ, दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट ग्रोथ आई वुड से. एब्सोल्युटली. और जब से मैंने इस चीज को, एक टाइम था यू नो मेरे लिए भी एक पर्सनल ग्रोथ है, एक टाइम था जब मैं इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इस चीज को रिजेंट कर रही थी, और वो 1.5 साल मेरी जिंदगी में ऐसा था जब मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं नहीं ऑडिशन दूंगी, मैं नहीं ये करूंगी, क्या यार इतने साल काम करने के बाद ये मुझे कहते हैं ऑडिशन देने आओ. एंड बिलीव मी, वो 1.5 साल मैं घर पे बैठी हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूड था, मैंने टाइम के साथ चलना नहीं सीखा था. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स जो चैनल में बैठे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि नीलू तुम आजकल काम क्यों नहीं कर रही हो. सो आई वाज लाइक आई कांट डू दिस यार, आई मीन इतना काम करने के बाद वो कहते हैं कि ऑडिशन करो, ये करो, वो करो. तो शी टोल्ड मी, शी गेव मी अ वेरी, शी सेज नीलू यू नो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड टेलिंग पीपल गेट अस समबडी लाइक नीलू को. वाओ, एक टाइम आएगा जब लोग आपको भूल जाएंगे. That thing, कई बार एक चीज होती है ना जो आपको हिट कर जाती है. Correct. उस सेंटेंस ने मुझे हिट कर दिया जब उसने मुझे कहा कि we've already started saying, telling people get somebody like Neeru Kohli. मतलब आपका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है. Yes, yes. तो जब आपका रिप्लेस, एंड मैं कोई ऐसी चीज तो यूनिक चीज तो हूं नहीं कि मेरा रिप्लेसमेंट मिल नहीं सकता. Okay. तो वो मेरे लिए इट वॉज अ you know a bell ringing and telling me ki wake up, smell the coffee. Yes bhai, kaam aapko karna hai, zarurat aapko hai, aapke bina kaam chal sakta hai lekin ka. So mujhe ek dhakka zarur laga tha lekin wo mere liye bahut zaruri tha. Beautiful. Ye bahut important hai aaj ki date mein jo youth bhi dekh rahe hain is waqt ye show. I think ye agar har banda sochne lage na ki bhai काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल. There is no substitute for that. Sorry. मतलब आजकल जो चल रहा है ना ये कि भाई हो अब क्या होगा, अरे भाई लॉकडाउन है, ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब ये दिस इज द राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच एवरीवन शुड हैव कि भाई काम नहीं करोगे ना तो और वर्स्ट ही होगा, और काम करोगे तो सब रिजॉल्व्ड है. बिल्कुल. और आप मानेंगे नहीं, थ्रू आउट लॉकडाउन मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स की हैं. मैंने एक एड किया है. Wow. मैंने यस आई वाज वर्किंग थ्रू आउट लॉकडाउन. बहुत शानदार, बहुत शानदार. कुछ फ्रेंड्स के लिए काम किया जिसके लिए पैसे नहीं मिले, दैट इज ओके, बट मैं काम तो कर रही थी. मेरे एक, मैं वही किसी से बात कर रही थी अपनी कि एक एक्टर के फेस पे जब मेकअप लगता है ना, वो वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है. राइट. क्योंकि वो एंडोर्स करता है इस फैक्ट को कि बॉस यू आर स्टिल इन द रेस. करेक्ट. सो मेरे लिए आई थिंक फॉर एन एक्टर
the best part is when you're on the field, you're working, you're creating something. I did four films, in fact, short films during lockdown and all. So I was kind of very contented. So it kind of didn't get to me ki ab kya hoga. Sahi. So aapse ek chota sa hamara round hota hai that we are going to start off with you. It is a one word, one line answer round. Are you ready? Yes. Okay. So let's start. What's your favorite cuisine? I like continental. Okay. Favorite holiday destination? I mean, not with corona on, वैसे. Anywhere in the hills. Hills. Okay. Yeah. One song that you hum while you are cooking. I know you are a fantastic cook. One song that you can hum any number of times while you are cooking. Rim Jim Gire Saavan. Sulag Sulag Jaye. जाना पड़ेगा. नहीं 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 अरे और प्लीज ये स्क्रीन फट जाएगा. कोशिश भी मत करना मेरी आवाज सुनने की प्लीज. सिर्फ वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो इस चीज को लेकर ट्रेंड हो गए लाइक माय चिल्ड्रन. व्हिच इज योर फेवरेट शो ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? एट द मोमेंट आई एम वाचिंग समथिंग कॉल्ड शिट्स क्रीक व्हिच आई एम लविंग. इसके पहले आई वाज वाचिंग द 100 एंड I kind of lived with those people all through, you know. Okay. 7 seasons, they each episode of 12, not 12, but each season of 12 or to 14 episodes of 40 minutes each. Okay. And I think ek mahina laga mujhe yahan tak abhi sare episodes, 7 seasons, I actually lived with them. Wow. Day and night. Fantastic. So please watch. Biggest inspiration? My mother. I know it sounds cliched, but it's true. Okay. Drunk call or raspberry? Both. I can't choose. Okay. But yes, looking at a wider viewership, yes, raspberry. Raspberry. Okay. Tea or coffee? Both. Both. Okay. Yes. What's on your phone as a wallpaper right now? It's my Guruji's. Wow. It just says blessings always, Guruji. It's his signature. Fantastic. Any favorite book if you love reading? Yes. I used to be a voracious reader, okay. But now I've stopped reading because of a lot of things. But my favorite all-time book was Sybil. Oh, okay, very nice. So this was our one word, one line answer, very quick answers that we got. अब आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं. एक बात बताइए, आप वैसे originally you are from Ranchi, and then you moved to Mumbai. ऐसी Ranchi. मेरी शादी मुंबई में हुई. Okay, Ranchi की कोई ऐसी बचपन की memory जो हमेशा आपकी favorite रही? मेरा जो स्कूल से वापस आने का जो होता था ना जो वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम वो मेरी फेवरेट हमेशा की रही है. Okay. अब मैं when I go into that retrospection, I realize what a beautiful time it was. एक तो एक वो लिबरेशन की छुट्टी हो गई स्कूल से और that walk home from school to home was something that I'll never forget. Yes. अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स से आ रहा है. आपकी योर डॉटर गॉट मैरिड लास्ट ईयर और आप बहुत सारे मदर इन लॉ वाले रोल्स किए हैं. एक इंटरव्यू में आपने बोला था आई वांट टू बी अ गुड मदर इन लॉ पिछला एक साल. हेलो मैं कह रहा हूँ पिछला एक साल कैसा रहा? एक्चुअली मदर इन लॉ तो मैं 4 साल पहले ही बन गई थी जब मेरी मेरे बेटे की शादी हुई थी. तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ से पूछा जाना चाहिए whether I am a good mother in law or not. वो बताएगी असलियत मेरी, उससे पूछना मत. मम्मी आता कि मम्मी आप टीवी में तो इतने सही लगते हो, यहाँ पे क्यों नहीं?
यू नो जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी उस वक्त, हमारी मतलब मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई थी, उस वक्त मेरा सीरियल चल रहा था शास्त्री सिस्टर्स. ओके. और शास्त्री सिस्टर्स में मैं एक बहुत ही पोजेसिव मदर थी. तो मुझे उस सीरियल का जिस्ट ये था कि ये मिडिल क्लास लड़कियां हैं और मैं एज यूजुअल हाई क्लास थी. तो मुझे ये था कि लड़कियों की शादी करा दो लेकिन मेरे बेटों से. अच्छा. तो व्हेन दे, हां, तो व्हेन दे फॉल इन लव विद माय सन्स, टू डॉटर्स विद माय टू सन्स, हेल ब्रेक्स लूज. ऑल हेल ब्रेक्स लूज. सो जब एंगेजमेंट हुई और मेरी जो समधन समधी है उनके घर जो उनकी मेड है, उन्होंने जब देखा कि बोले इसकी बेटी के साथ आपकी एंगेजमेंट, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, ये बहुत बुरी है. ये तो अपने बेटे को अपनी बेटी से मतलब बहू से मिलने नहीं देगी, तोड़ दो. इट वाज सच अ ह्यूज जोक इन आवर हाउस. ठीक है, मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था क्या आप अपने सीरियल से फीडबैक लेती है. मुझे लगता है आपके आसपास के लोग आपका फीडबैक जरूर लेते हैं सीरियल से. अरे बहुत, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, आसपास के लोग मुझे पूरा फीडबैक देते. अच्छा, आपने यू स्टार्टेड अ फ्यू सीरीज ऑन ओटीटी एंड यू डन फिल्म्स, यू डन अ लॉट ऑफ टीवी. व्हिच इज योर फेवरेट प्लेटफॉर्म, व्हाट वुड यू, व्हाट आर यू मोर कंफर्टेबल विद, एंड प्रोबब्ली व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड फॉर as a longer duration run? Honestly, I love the OTT platform. Yeah? Yes. I think this is the best thing that could have happened to actors. Because filmen kya hoti hain? Ek to 3 ghante ki duration ke liye hoti hain. Aur uska jo canvas hai, wahan ka ek system alag hai, wahan ke log. Matlab, kya hota hai wahan? Mainly, हम जैसे लोगों के रोल्स बहुत कट जाते हैं कैरेक्टर एक्टर्स के. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक एक्टर को पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है इन टर्म्स ऑफ यू नो देयर इज मोर मीट एंड यू नो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लाइक अ फिल्म होती है. जी जी. सो इफ यू टॉक ऑफ क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, आई थिंक आई हैव एंजॉयड माय स्टिंट ऑन द OTT platform, then I'm really looking forward to more OTT. You know, working. Yes. तो इसी बात पे ये question है कि भाई आपके अभी upcoming projects क्या आ रहे? Upcoming actually क्या हुआ है? Because of this lockdown, because of this corona, a lot of my projects have got delayed. Yes. You know, I had also given up TV about 3 years back. मैंने सिर्फ अभी 26 episodes किए थे किसी on Sub TV, और मैंने एक छोटा सा एक cameo किया था छोटी सी सरदारी का, because I wanted a personal growth, so I had started this theater, I had started Broadway theater with Saregama, and I was also doing OTT Gus films, but क्योंकि ये corona आ गया तो theater तो is just not possible till everything gets sorted, right? So because ऑडियंस आएगी नहीं तो, एंड सेम इज द केस विद फिल्म्स. टू ऑफ माय फिल्म्स वर सपोज ऑन रिलीज जो अभी स्टॉल्ड हैं. दो फिल्मों पे काम चल रहा है पैचवर्क जो अब पता नहीं कब होगा. तो इट्स काइंड ऑफ वेरी एम्बिगुअस एट द मोमेंट. आई एम नॉट टेकिंग अप न्यू ओटीटी वर्क व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज एक वो डर है कि यू नो आप यहाँ तो अपने यू नो पर्सनल स्पेस में काम कर लेते हैं, पर जब आप ओटीटी में करते हैं तो यू आर प्रॉब्ली गो शूटिंग आउटसाइड. तो इस माहौल में अभी थोड़े टाइम के लिए मैं वो भी नहीं ले रही हूँ. तो अभी थोड़ा सा यू नो स्पेस, और अभी देयर इज नो क्लैरिटी बेसिकली कि अभी कहाँ कितना काम आने वाला है अभी इन द सेंस कि क्या रिलीज होने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. आई वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज फॉर द यूथ हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड, जो अभी कंफ्यूज्ड है भाई आगे करना क्या है, व्हाट इज द न्यू नॉर्मल. आई वॉन्ट अ मैसेज फ्रॉम यू. मुझे सबसे पहले तो यूथ को ये कहना है कि
पहले अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप उन चीजों को झेल नहीं पाएंगे, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा. अनदर थिंग इज यू नो लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज जो कि पहले आपकी अरीना में आपके थॉट प्रोसेस में नहीं थी. थोड़े से अपने होराइजन वाइडन कीजिए कि आप घर रहकर क्या कुछ कर सकते हैं. आई थिंक डिजिटल इज अ वेरी बिग मार्केट आउट देयर, एनीथिंग टू डू विद डिजिटल. दूसरा, ये ऑनलाइन जो अब सब कुछ शुरू हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हर एक चीज के लिए, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप से अपने घरों से काम करने के लिए. तो जो यूथ इस बारे में सोच नहीं रहा था, मुझे लगता है कि उन लोगों को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए. और ये जो टाइम आपके हाथ में है, एनी काइंड ऑफ नॉलेज यू नो इज गोइंग टू एड, इट्स लाइक अ फर्टिलाइजर टू अ प्लांट. नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. तो पढ़िए, सीखिए. तो अगर और कुछ नहीं है तो किताबें पढ़िए. देयर इज सो मच टू लर्न. तो अगर और कुछ नहीं है तो सीखिए. वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, आपके साथ जरूर बहुत लंबा जाएगा. बहुत ही अच्छा मैसेज था. थैंक यू सो मच नीलू कोहली फॉर ज्वाइनिंग विद आवर ऑडियंसेस. इतना मोटिवेट करने के लिए खूब मजा आया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की. गाइस, डू फॉलो हर पेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. सो दिस वॉज नीलू कोहली, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट नेक्स्ट वीक में एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन, नमस्कार.